सर नमस्कार। नमस्कार जी। वैसे तो आप लोग दोनों मरीज हैं हमारे, ठीक भी हो चुके हैं, तो आप पहले अपना परिचय दें। नाम आपका क्या है? मेरा नाम देवेंद्र कुमार दुबे है। मैं जांजगीर चांपा जिला से हूँ, छत्तीसगढ़ से। जी और मुझे पहले माड़ी का दर्द होता था। सर, उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है अभी 74 ईयर। 74। पहले जी हम कब मिले थे माड़ी के दर्द के लिए, घुटने के दर्द के लिए? हम लोग आज से 1 साल पहले मिले थे जी, सर। अब बताएं आप क्या दिक्कत थी उस समय? उस समय मुझे चलने बहुत अधिक तकलीफ होती थी, बैठने उठने में। जी जी माड़ी में सूजन हो जाता था मेरे। अब वो सूजन जो है वो समाप्त हो गया है, दर्द भी छोड़ दिया है। हाँ जी अब मैं रिलीफ में हूँ बिल्कुल, और अपने घर का सब काम कर लेता हूँ। हाँ 8 किलोमीटर साइकिल चला लेता हूँ जी। और स्वस्थ हूँ मैं अब। सर एक चीज, वो जो अपन बोलते हैं देसी स्टाइल बाथरूम बैठना, आप बैठ जाएंगे? हाँ मैं बैठ जाता हूँ उसमें, देसी स्टाइल वाले में भी। बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है। अभी ये बताइए, ये जो प्रॉब्लम थी कितने सालों से थी आपको, मुझे लगभग ये 10 साल से थी। और कहाँ कहाँ इलाज करवा लिए आप, क्या क्या मैं पद्धति से इलाज करा लिए? ये जो अंग्रेजी पद्धति उसका भी दवाई खाया हाँ खाता जी था मैं, हाँ जी वो पेन किलर वगैरह। और नागपुर भी गया था माड़ी जांच के लिए, रायगढ़ भी गया था, बिलासपुर में भी 2-3 हॉस्पिटल में दिखाया था। जी जी क्या हाल था? तब ठीक नहीं हो पाता था, गोली खाता कम होता, गोली का असर समाप्त तो दर्द फिर बढ़ जाता था। अच्छा, और अभी जो अपन इलाज किए ये कितना लंबा चला आपके साथ? लगभग साल भर चला। ओके, और कितने बार में आपको दवा दिया? 3 बार, 4 बार, 6 बार? मुझे आपने 4 बार दवा दिया, 2 बार मैं आपसे मिलने पहले बार आया था, हाँ किसी मित्र के कहने से मैं आपके पास आया था। जी जी तो पहली बार मिला, उसके बाद औपचारिकता के रूप से ऐसे घूमते घूमते दोबारा फिर आपसे मिला था। बाकी मैं आपसे कोरियर से ही, आप मेरे लिए दवाई भेज देते थे जी उससे मैं ठीक हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। सर आपने बोला आप बाथरूम नीचे बैठ जाते हो, बैठ जाता हूँ एक बार वहां बैठ के दिखाएंगे साइड में? जी। अब भाई आपकी उम्र 74 साल है जी मैं ये बैठ के दिखाता हूँ आपको जी, ये दे। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये आ जाइए, ऊपर आ जाइए। ये जो आप बैठे हैं इसमें कोई परेशानी है नहीं, आपको? मुझे कोई परेशानी नहीं है। चलिए बैठिए। अब ये बता दीजिए, ये जो दवा अपन उपयोग किया आपके साथ, उसमें कोई साइड इफेक्ट इस उम्र में आपको? कुछ साइड इफेक्ट नहीं हुआ है मुझे, ना बहुत कोई अच्छा। खाने पीने में कोई प्रॉब्लम हुई, मेरी तरफ से ना परहेज वगैरह था क्या बहुत ज्यादा? कुछ भी परहेज नहीं था। आपने तो मुझे ही कहा था कि आप जो पाए वो खाएं, खाने पीने का चीज। ठीक है ठीक है, धन्यवाद आपके एक छोटे से फीडबैक के लिए। अच्छा अब मैडम से पूछते हैं, मैडम आपका क्या दिक्कत था जब हम मिले थे? हाँ मेरे दोनों पैर में और घुटने में बहुत ज्यादा सूजन था। हाँ मैं बैठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम पद्मिनी दुबे। उम्र आपकी? उम्र 65 साल। आप कहाँ से हैं? मैं भी जांजगीर चांपा। जांजगीर से हैं, ठीक है। अब बताइए, जैसे घुटने में दिक्कत थी, इसको आपने कहाँ कहाँ दिखवाया था? नागपुर, बिलासपुर और कलतरा, अच्छा सब जगह दिखवा। ठीक है, तो जो पहले इलाज हुए थे उसमें क्या हाल था आपका? बस गोली दवाई के चलते तक के ठीक रहता था, फिर खत्म होता, फिर जो करते हो फिर जो जाता। करते हो। तो अभी आपकी नसों की प्रॉब्लम, जो पैरों में खिंचाव, झिनझिनी, ये सब क्या हाल है? ये सब ठीक है अभी। और पहले से घुटने में दर्द कैसा है? पहले से मतलब बहुत कम है दर्द। पालथी मार के बैठ जाएंगे आप? जी ठीक है, बहुत अच्छे। मैं पालथी मार के बैठ जाती हूँ, गाय दूध लेती हूँ, अपने घर का पूरा काम कर लेती हूँ। बहुत अच्छे। अभी इस उम्र में 65 के अबव, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा कि आप एकदम रनिंग करो, वॉकिंग करो, ये अब नहीं बोलूंगा, है ना? सर को तो थोड़ा सा दिखवा भी लिया, आपको उतना भी नहीं बोलूंगा कि आप दिखाइए, ठीक है? ये जो आप बोल रहे हैं, मेरी तरफ से कोई फोर्स तो नहीं है ना आपको? नहीं, चलिए हम लोग आपसे आपको धन्यवाद देने आए भैया यहाँ। चलिए, थैंक यू, मेरी तरफ से भी आपको थैंक यू बहुत बड़ा फीडबैक देने के लिए। हमारे जैसे और लोगों का भी आप मदद करते रहिए। जी जी थैंक यू, भगवान करे कि आपकी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो। थैंक यू मैडम, थैंक यू।